अगर मैं कहूं कि कोरोना की वैक्सीन का दोनों डोज लगवाने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है तो आप क्या कहेंगे? देखो, हमें कुछ उल्टा सीधा मत कहना, कहना है तो उन्हें कहो जिन्होंने दुनिया में अभी ये बहस छेड़ रखी है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के केस इस वक्त दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। दोनों डोज लगवा चुके लोगों में भी कोरोना का संक्रमण देखा गया है। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर अब वैक्सीन के तीसरे डोज या कहें कि बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रही है। इसराइल ने तो अपने नागरिकों को वैक्सीन का तीसरा डोज देना शुरू भी कर दिया है। हम आपको बताते हैं कि वैक्सीन के तीसरे डोज की कितनी जरूरत है। हमारे पास अभी ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जो इस बात की पुष्टि करे कि वैक्सीन लगवाने के बाद बनी एंटीबॉडी शरीर में कितने दिनों तक प्रभावी रहती है। इसे लेकर कई सारे राय हैं, लेकिन रिसर्च से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अलग अलग वैक्सीन की कोरोना के डेल्टा, डेल्टा प्लस या ओरिजिनल वायरस पर असर की बात की जाए तो फाइजर और मॉडर्ना के दोनों डोज किसी भी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से बचाने में 96% कारगर हैं। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में से डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65% असरदार बताया है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 90% इफेक्टिव है। वहीं चीन की वैक्सीन सिनोवैक का डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असर कम हुआ है। अब वायरस के नए वेरिएंट पर भी वैक्सीन का असर तो है, लेकिन फिर भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे देश इसे लेकर क्या कर रहे हैं? इसराइल की 66% आबादी को ही वैक्सीन लगी है, फिर भी इसराइल ने कमजोर इम्यूनिटी वालों को तीसरी डोज देने की तैयारी कर ली है। फ्रांस में 53% लोगों को वैक्सीन लगी है, फिर भी अगस्त से कमजोर इम्यूनिटी वालों को तीसरा डोज लगाया जाएगा। वैक्सीन कंपनी फाइजर बायोएनटेक का दावा है कि तीसरा डोज डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ और ज्यादा प्रभावी होगा। हालांकि बूस्टर डोज केवल कमजोर इम्यून सिस्टम वालों को दिया जाएगा, खासकर उन लोगों को जो हृदय, फेफड़े और कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। फाइजर के मुताबिक दूसरे डोज के 6 महीने बाद तीसरा डोज दे सकते हैं, या डोज दूसरे डोज के 6 से 12 महीने के भीतर देना चाहिए। लेकिन क्या भारत में तीसरे डोज को लेकर कुछ प्लानिंग की गई है? अभी तक जो रिपोर्ट और बातें सामने आई है उसके मुताबिक भारत का टारगेट अपनी ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करना है। इसके बाद रिसर्च के नतीजों के हिसाब से तीसरे डोज पर फैसला लिया जाएगा। ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।